अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल सीरीज की सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट अलोंग ग्रुप वाइज याद कराए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कि अलोंग द पीरियड पीरियोडिक टेबल को कैसे याद किया जा सकता है, उसके निमोनिक्स डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नया आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप के निमोनिक्स के साथ, जो के हैं हाय, हेलो। और हाय हमारे लिए हाइड्रोजन से रिलेटेड और हेलो हमारे पास हीलियम से रिलेटेड। तो ये दो मेंबर हैं आपके फर्स्ट पीरियड में, और दोनों को इस तरह भी याद किया जा सकता है कि दोनों में हाइड्रोजन है। और ये कुछ थोड़े बहुत आपको एनिमेशंस भी मिल जाएंगे। इसी तरह सेकंड पीरियड के निमोनिक्स हैं आपके पास लिसन, बीबीसी, न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। तो लिसन आपके पास लिथियम के लिए, ये बी आपको थोड़ा बहुत आवाज़ ऊंची करनी पड़ेगी बी, ताकि आपको लगे कि यार ये बेरिलियम के लिए यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट नॉर्मल बी रखेगा ताकि आपको बोरॉन के लिए यूज़ करना पड़े। और सी तो ठीक है, नॉर्मल कार्बन के लिए, न्यूज़ नाइट्रोजन के लिए, ऑन ऑक्सीजन के लिए, फ्राइडे फ्लोरीन के लिए, और नाइट नियॉन के लिए। तो लिसन, बी, बी, सी, न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ये आपका सेकेंड पीरियड के मेम्बर्स होए। इसी तरह थर्ड पीरियड को हम कैसे याद करेंगे कि वो हमारे पास है ना मांग अली से पेप्सी सोडा कोला अरे, ना मांग अली से पेप्सी सोडा कोला अरे। और ना है आपके पास सोडियम के लिए, लेकिन सोडियम का सिंबल सोडियम के लफ्ज़ से नहीं आया, पुराने नाम से आया नेट्रियम से। तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ मैं आपको पुराने नामों का भी दर्शन कराया करूँगा। मांग मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आप आसानी से याद कर सकते हैं। अली से एलुमिनियम, से सिलिकॉन, और पेप्सी से फॉस्फोरस, सोडा सल्फर, कोला क्लोरीन, और अरे के लिए अर्गॉन। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो ना मांग अली से पेप्सी सोडा कोला अरे, ये आपके थर्ड पीरियड के निमोनिक्स हुए। इसी तरह फोर्थ पीरियड के निमोनिक्स हैं आपके पास साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फी। यहाँ तक आपने नॉर्मल रख देना है, फिर उसके बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है कोई नहीं, और ये दोनों आपने एक साथ मिला के पढ़ने हैं, कोई नहीं कज़न। यानी आप एक कज़न को कह रहे हैं कि साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फी, और कोई नहीं कज़न। तो ये दोनों लफ्ज़ आपको एक साथ याद रखने होंगे, तभी आप आसानी से याद कर सकेंगे। तो साइंस टीचर से आपके पास कैंडियम आएगा, टीचर टाइटेनियम आएगा, और वेरी से आपके पास वेनेडियम आएगा, क्रूअल से आपके पास क्रोमियम आएगा, मांगे मैंगनीज, फी से आयरन यानी एफ ई, और इसका पुराना नाम फीरम, मैंने वो रखा नहीं, आप लोग इसको ख़ुद भी ढूंढ सकते हैं और मैंने बता भी दिया है। कोई से कोबाल्ट और निकल, नहीं से निकल, कॉपर, ये जो कज़न था वो आपके पास कॉपर और जिंक दोनों मिला के आएंगे। तो आपने कज़न एक साथ याद रखना है, और कज़न में क कॉपर को और जन जो है वो आपको जिंक शो कर रहा होगा, तो ये आपको पता होता। हम दोबारा पढ़ते हैं इसको कि साइंस आपको याद हो जाए, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फी, कोई नहीं कज़न, मतलब आप उसको दिलासा भी दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, कहीं दूसरे से टीचर से पढ़ लेंगे, और यहाँ फ्री पढ़ाया जा रहा है, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे। अच्छा, ये फोर्थ पीरियड के निमोनिक्स हुए। फिफ्थ पीरियड को कैसे याद करेंगे, तो ये आपके सामने है कि यार ज़रा नींबू मुँह तक रख, यार ज़रा नींबू मुंह तक रख। यहाँ तक एक सेंटेंस, फिर इसके बाद रहना पड़ेगा आज सीआईडी। ये दो अलग सेंटेंस है जो आपको आसानी से याद हो सकते हैं। रहना पड़ेगा आज सीआईडी, सीआईडी ड्रामा आप देखते होंगे बचपन में। तो यार ज़रा नींबू मुंह तक रख, यार से बनेगा यट्रियम, ज़रा से बनेगा जरकोनियम, इसी तरह नींबू से बनेगा नियोबियम, मुँह एम ओ और मोलिब्डेनम, इसी तक टी सी, और आपके पास रहेगा टेक्नीशियम, और रख से आर यू रुथनियम आपको याद रखना पड़ेगा, और इसी तरह रहना रोडियम, फिर पड़ेगा पी डी और पेलेडियम, इसी तरह आज। अब यहाँ थोड़ा बहुत कि आप ए जे ना कर दीजिएगा, ए जी है ये, तो इवन ए जी से आप ऊपर वाला लिख सकते हैं, पड़ेगा आज सी आई डी, तो ए जी लिखिए। और उसका सिल्वर सिंबल होता, सिल्वर उसका
नया नाम है मॉडर्न, लेकिन उसका जो पुराना नाम है उसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया अर्जेंटम। तो ए आर क्यों नहीं रख सकते थे ये आप लोग खुद बताएंगे कि जो सिल्वर का नाम है पुराना कि अर्जेंटम, तो अर्जेंटम के बेस पे अगर रखा जाता तो ए आर रखा जाता, ए आर क्यों नहीं रखा गया ये भी आप लोग सर्च कीजिए। और कैडमियम लास्ट के लिए सी आई डी सी डी थोड़ा बहुत तो हो सकती है कि हम थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप लोगों को समझाएं। लास्ट पीरियड डिस्कस करेंगे, सेवन्थ पीरियड को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो इनकम्प्लीट पीरियड है, तो इनकम्प्लीट पीरियड को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस से रिलेटेड भी नहीं है। तो याद कैसे करेंगे, ला उसके बाद हफ और ता आपने एक साथ पढ़ना है, ला हफ्ता वरना रे उस्मान इधर पिटाई और होगी, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ला हफ्ता वरना रे उस्मान इधर पिटाई और होगी। तो ला से बनेगा लेंथेनम, हाफ से बनेगा हेफनियम, एच एफ इसका सिंबल, ता से बनेगा टी ए टेंटलम, इसके बाद वरना डब्लिव, और डब्लिव का पुराना नाम वोल्फ्रम था इसीलिए उसके बेसिस पे इसको डब्लिव कहा गया, टंगस्टन इसका नया नाम है, तो आपको ये याद हो एटलीस्ट। रे से रेनियम, रेनियम कहा जाता है ओस्मान, ओ एस ओस्मियम, इसी तरह इधर इधर आई आर, और इरिडियम इसी तरह पिटाई पी टी, और प्लेटिनम इसी तरह, और ए यू, और ए यू का पुराना नाम एयूरियम था इसीलिए उसको उसके सिंबल से उठाया गया, गोल्ड इसका नया नाम है। इसी तरह मरकरी का भी जो होगी लास्ट है हमारे पास मरकरी, एच जी को मरकरी भी कहते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और इसका पुराना नाम था हाइड्रार्जियम। हाइड्रार्जियम याद रखिए क्योंकि इसके सिंबल को आप आसानी से याद कर सकेंगे। ये था हमारा पीरियोडिक टेबल, और यहाँ मैंने इधर पे क्यों इतना जोर दिया ये हमारे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़े हुए हैं, और बरियाले साहब को तो बहुत अच्छा पता होगा इससे रिलेटेड। तो इधर की कहानी क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में हो सकता है मिल जाए किसी स्टूडेंट से। ये था हमारा पीरियोडिक टेबल का पीरियड का सेशन, ऑलमोस्ट पीरियोडिक टेबल आपको याद हो चुका होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पीरियोडिक टेबल की तीसरी वीडियो में, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और बहुत सारी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो पीरियोडिक टेबल में हैं और वो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं और आप आसानी से उसको इन वीडियोस के थ्रू याद कर सकते हैं। तो हम ये सीरीज़ चलाते रहेंगे, आप लोग शेयर करते जाइए, और जितना आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा काम और इफेक्टिव काम हम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।